असलकुम। अलीशा किचन में आज हम बना रहे हैं शाही टुकड़े। ये देखिए, शाही टुकड़ों के लिए जो जो सामान चाहिए वो देख लें आप। ये हमें चाहिए ब्रेड, चाहिए मैंने डबल रोटी के स्लाइस है। ये आप जितने आप लोगों जितना आपको बनाना हो वो तो अपने घर के अफराद वालों के हिसाब से बनाए। मैंने लिए हैं ये 6 स्लाइस। और इसमें चाहिए ड्राई फ्रूट, कंडेंस्ड मिल्क, इलायची पाउडर, ड्राई मिल्क माना खुश्क दूध, एक प्याली चीनी की, ये एक प्याली देसी घी। अगर देसी घी नहीं है तो फिर आप दूसरा घी ले लें या ऑयल ले लें, आपकी मर्जी है। ये अर्के गुलाब, ये भी आपकी मर्जी है। अगर अच्छी लगता है खुशबू आपको तो फिर आप अर्के गुलाब के भी 2 चम्मच ले लेंगे, वो डालें, नहीं तो नहीं डालें, आपकी मर्जी है। 1 किलो दूध, ये दूध जो है मेरे पास ये 1 किलो दूध है। इसको मैंने अच्छी तरह से पका लिया, गाढ़ा कर लिया है। इससे ना देखें मलाई वलाई सब इसी के अंदर ही शामिल है। ये जितना गाढ़ा दूध होगा उतना ही जबरदस्त होगा। आप इसके अंदर तैयारी करते हैं। इसके जो है ना स्लाइस, इसके स्लाइस के जो किनारे हैं ये काट लें। बहुत से लोग नहीं भी काटते हैं, काट लें तो आपकी मर्जी है, ना काटें तो भी ठीक है। लेकिन इसको ऐसे करके इसके चारों तरफ से बस ये देखें ऐसे करके से काट लें। और ये जो है ना किनारे फेंकेंगे नहीं, फिर इसके हम ब्रेड क्रम्स बना देंगे। किसी और रेसिपी में ये क्रम्स जो है इसको सुखा के रखेंगे, फिर उसमें काम आ जाएंगे किसी और में। इसको रख लेंगे संभाल के, देखें ऐसे करके सबको ऐसे काट लेंगे। अब आपकी मर्जी है, आप इसको इसमें से बीच में से ऐसे करके काट लें या लंबाई वाले बना लें, ये ऐसे करके जैसे करके सारे, बस सबका यही तरीका। अब बाकी अभी दूध ऊपर रख देते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। ये बाकी जब तक मैं ये काट लेती हूँ, ये देखें दूध को मैंने उबाल के लिए रख दिया है। दूध मैंने पहले भी गाढ़ा कर चुकी हूँ, पहले ही गाढ़ा है मेरा दूध, तो गर्म किया हुआ। इसको मैंने उबालने के लिए रख दिया। इसमें डाल देंगे हम इलायची पाउडर, ये मैंने खुद ही घर में पीसा है इलायची पाउडर। इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और इसमें डालेंगे चीनी थोड़ी सी, क्योंकि मैं जो इसमें ड्राई मिल्क डालूंगी वो भी थोड़ा मीठा है, और वो जो इसमें कंडेंस्ड मिल्क डालूंगी वो भी मीठा है, इसलिए बिल्कुल थोड़ी सी 1 चम्मच के करीब चीनी डालेंगे इसमें। अभी अच्छा सा थोड़ा सा उबले फिर मैं इसमें वो खुश्क दूध भी डालती हूँ ताकि गाढ़ा हो जाए, और अगर चाहें तो मलाई का पैकेट भी डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि मेरा दूध पहले ही मलाई वाला है सारा, इसलिए मैं मलाई का पैकेट इसमें नहीं डालूंगी। अभी इसको हम अच्छा सा गाढ़ा सा करेंगे, इसमें मलाई का पैकेट भी डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा ये उबाल और आ जाए फिर मैं इसमें खुश्क दूध और कंडेंस्ड मिल्क मिलाती हूँ। 1 कप पानी में चीनी डाल के इसको उबलने के लिए रख देंगे, साफ वो बनाएंगे, चाश बनाएंगे इसकी। अब ये भी उबला, इधर से यहाँ से दूध उबल रहा है और इसको उबालना है इसके सीरम के लिए, वो जब तक वो उबले और जब तक अब इसको ये देखें दूध देखें। ये दूध उबलना शुरू हो गया है, अब इसमें ये जो ड्राई मिल्क है ना ये मिला देंगे, जल्दी जल्दी मिलाएंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बन जाए इसमें। इससे क्या होगा, इसका गाढ़ा हो जाएगा दूध, एक तो गाढ़ा हो जाएगा और उसका फ्लेवर ज़रा अच्छा सा आता है। ये देखें कितना गाढ़ा हो गया, अभी से गाढ़ा हो गया। 1 प्याली डाली है मैंने इसमें, कोई भी ले लें, एवरीडे ले लें, नीडो ले लें। ये देखें कितना गाढ़ा, अभी से गाढ़ा हो गया ये। अब दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए या आधा बचेगा ना, फिर मैं इसमें कंडेंस मिल्क मिला के उतार लूँगी। दूध देखें कैसे अच्छा सा उबल रहा है, चम्मच चलाते रहेंगे जो साइडों से लगता रहेगा, इसको ऐसे करके उतारते रहेंगे। अब इसको देखो इसमें ये खोपरे का थोड़ा सा चूरा डाल देंगे, खोपरे का पाउडर, जिससे क्या दूध भी थोड़ा गाढ़ा भी होगा और उससे थोड़ा इसका फ्लेवर भी अच्छा सा हो जाएगा। थोड़े से ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे इसमें, पिस्ता और बादाम डालेंगे। थोड़ा मैंने इसमें डाल दिया, थोड़ा मैंने गार्निश के लिए रख दिया, और इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, फिर इसमें हम डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क और रोज वाटर। बस इतनी उसमें रखेंगे क्योंकि उसको स्लाइस को जब हम तल के इसमें डालेंगे ना ब्रेड को तो वो भी पिएगा थोड़ा, बस इतनी सही है इसमें ना। घी डालेंगे, नाम है शाही टुकड़े, तुम्हारा शाहों के खाने के ना नवाबों की डिश है, इसलिए इसमें
इसमें देसी घी इस्तेमाल करेंगे, खूब सारा इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे, जितना ड्राई फ्रूट डालेंगे जितनी चीज़ें डालेंगे उतना अच्छा बनेगा। इसको सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं लेकिन इसमें जितनी चीज़ें डालेंगे ज़्यादा उतना ही मज़ेदार बनेगा। अभी थोड़ा सा पानी गर्म हो जाए, घी गर्म हो जाए फिर इसमें जो स्लाइस मैंने काट के रखे हुए हैं उनको फ्राई, कितना गाढ़ा हो गया। अब इसमें डालेंगे ये एक ढक्कन, ढक्कन से डाला या चमचे से डाले, मैंने ये दो चमचे हो गए समझे, दो चमचे हल्के गुलाब के, और ये डालेंगे इसमें भर के कंडेंस्ड मिल्क की प्यारी। ये घर में भी बन जाता है कंडेंस्ड मिल्क, अगर घर में बनाए तो घर में बना रहे, नहीं तो ये बाजार से जो डब्बे का मिलता है ना फिर ये वो ले लें, ये डालें इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आएगा। इसको मिक्स कर लेंगे, इसको भी हमें थोड़ा गाढ़ा ही करना होता है बस, क्योंकि उसमें डालेंगे ना फिर वो सारा चूस जाएगा डबल रोटी जो है ना सारा, इसको सब कर लेंगे ठंडा सारा, इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा सारा के उस पर, उसको ऐसे करके चलेंगे इसमें दो तीन करके डाल देते हैं, साथ में डाल देते हैं, काम को जल्दी जल्दी करते हैं। ये देखिए ऐसे कह रहे हैं, जैसे एक साइड हो जाए दूसरा साइड, बहुत ऑयल पीते हैं भाई, कोई बात नहीं कभी कभी इतना ऑयल खा सकते हैं, अगर ज़्यादा ऑयल नहीं पसंद तो फिर हल्के ऑयल में कर लें, सेक लें थोड़ा थोड़ा सा ऐसे करके, ऐसे इस साइड में करके हल्का हल्का से सेक लें, इसको थोड़ा सा हल्का सा कलर इसका चेंज हो जाए थोड़ा कड़क कड़क से हो जाए फिर इसको निकालेंगे। फिर इसमें से निकाल के इसको फिर वो जो शुगर का हमने वो बना के रखा है चाश, उस चाश में भिगो देंगे, तले इनको फ्राई किया इसको चाश में भिगोएंगे, ऐसे रखते जाएंगे किसी भी सेटिंग से रखें, कुछ मैंने इसमें थोड़े कड़क किए हैं थोड़े से मैं नरम वाले रखूंगी, वो आपकी मर्जी कैसे भी रखें। ऐसे जितने पीसीज हैं इनको सबको ऐसे चाश में भिगो भिगो के ऐसे रखेंगे। तो अब उसको मैंने फ्राई करके उसको सिरप में भिगो दिया, फिर चीनी वाले चाश में, चीनी वाला सिरप बोलें जो बोलें। अब इसके ऊपर ये जो मैंने मिल्क को गाढ़ा किया ना वो डालेंगे, ये देखिए माशाल्लाह कितना गाढ़ा हो गया, ये डालेंगे थोड़ी देर में ये सारा सूख जाएगा इसके ऊपर, ये सारा इसके अंदर ये जो ब्रेड है इसके अंदर चला जाएगा सारा, ये देखिए ऐसे इसके ऊपर ये डालेंगे ड्राई फ्रूट, जितना ड्राई फ्रूट डालना चाहिए, मैंने बादाम और पिस्ते डाले, बहुत आसान और बहुत मजेदार रेसिपी है, थोड़ी सी मेहनत है और बस कुछ भी नहीं है, कितने जबरदस्त किस्म के, बड़ी अच्छी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, हल्के गुलाब की इलायची की दूध की सब मिक्स होकर जबरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा मीठा तैयार हो गया है। आप इसे ट्राई कीजिए, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।